कर्नाटक में कांग्रेस फायदे में है, वो इसलिए क्योंकि लिंगायत समुदाय में अच्छा खासा प्रभाव रखने वाले दो बीजेपी के नेता कांग्रेस में आ गए हैं। हालांकि सत्ता में बैठी बीजेपी इस दल बदल को तवज्जो न देकर इसे विश्वासघात बता रही है, क्योंकि राज्य में करीब 17% की हिस्सेदारी रखने वाला लिंगायत समुदाय बीजेपी का बड़ा वोट बैंक भी माना जाता है और कांग्रेस पिछले कुछ समय से बीजेपी के लिंगायत वोट बैंक को तोड़ने या उसमें सेंध लगाने की जुगत में लगी है। दरअसल कांग्रेस ये दिखाना चाहती है कि बीजेपी ने अपने बुजुर्ग और कद्दावर नेता बीएस येदुरप्पा का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने के बाद उन्हें हाशिए पर डालकर इस समुदाय के साथ गलत किया है, जबकि जगदीश शेट्टर और लक्ष्मण सावदी के कांग्रेस में जाने के बाद कांग्रेस की रणनीति ये है कि लिंगायत समुदाय के दिमाग में बीजेपी के खिलाफ धोखेबाजी वाली धारणा पैदा हो जाए। पार्टी के एक नेता ने कहा है कि कई कांग्रेस नेता पिछले 2-3 दिनों से इस विमर्श को आगे बढ़ाने और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि लहर उनके पक्ष में है, जबकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने तो यहां तक दावा कर दिया कि शेट्टार और सावदी के उनकी पार्टी में आने के बाद 2-3% वीरशैव लिंगायत वोट उनकी पार्टी के पक्ष में आ गए। शिवकुमार ने कहा कि हमारा अनुमान है कि हम 141 सीट जीतेंगे, लेकिन जगदीश शेट्टार और सावदी के आने के बाद पार्टी 150 सीटें जीतेगी। उधर बीजेपी ने भापकर अपने सबसे बड़े और विशाल जनाधार वाले नेता येदुरप्पा को बचाव के लिए मैदान में उतार दिया है। येदुरप्पा ने शेट्टार और सावदी को विश्वासघाती बता दिया है और उन्होंने उन दोनों नेताओं को बीजेपी की तरफ से दिए गए सभी अहम पद गिना भी दिए। जबकि मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने मंगलवार को बागलकोटे में कहा कि चुनाव से पहले बीजेपी से एक या दो लिंगायत नेताओं के चले जाने का कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी उन क्षेत्रों में पिछली बार की तुलना में ज्यादा सीटें जीतेगी जहां के नेताओं ने पार्टी छोड़ी है। बोम्मई ने कहा कि कर्नाटक की राजनीति में लिंगायत जागरूक मतदाता है और जब भी उन्होंने निर्णय लिया है सही निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि चुनाव की घोषणा के बाद कांग्रेस लिंगायतों के प्रति बहुत प्रेम दिखा रही है, लेकिन कांग्रेस ऐसा संगठन है जिसने लिंगायतों को बांटने का प्रयास किया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।